में लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है क्या? जैसे मान लीजिए एक बिंदु हमको यहाँ पर ए दे दिया, दूसरा बिंदु हमको बी दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया कि यक्स वन कामा वाई वन है, इसका निर्देशांक दे दिया यक्स टू कामा वाई टू है, तब उनके बीच की दूरी का जो सूत्र होता है ए बी बराबर होता है कर्णी में यक्स वन ऋण यक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन ऋण वाई टू का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम लोग जो है आज सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जैसे ये बिंदु दिया, ये बिंदु दिया, अब हम मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, इसे मान लेते हैं ए बिंदु, ए बिंदु का निर्देशांक 2.3 दिया है, इसे हम मान लेते हैं बी बिंदु, बी बिंदु का निर्देशांक 4.1 दिया है, तो इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी का जो सूत्र होगा वह होगा कर्णी में एक्स वन ऋण एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन ऋण वाई टू का होल स्क्वायर। बस इसी सूत्र में हम लोग रखते हैं एक्स वन, इसे मान लेते हैं कि ये एक्स वन है, इसे मान लेते हैं कि ये एक्स टू है, इसे मान लेते हैं इसे वाई वन मानेंगे। दो को हम मान लेंगे एक्स वन, तीन को मान लेंगे वाई वन, चार को हम मान लेंगे एक्स टू, एक को मान लेंगे वाई टू। अब इसी सूत्र में रख लेंगे, एक्स वन की वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, एक्स टू की वैल्यू कितना दिया है 4, तो हम 4 रख देंगे, वाई वन की वैल्यू दिया है 3 रख देंगे, वाई टू की वैल्यू दिया है 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ से 2 में हम 4 घटाएंगे तो -2 का वर्ग प्लस 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 का वर्ग, तो 2 -2 गुणे -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 गुना 4, क्योंकि हम जानते हैं माइनस रहता है और घात यदि समसंख्या है तो वह प्लस हो जाता है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा और कर्णी में 8 का जो वर्गमूल आएगा वह कितना आ जाएगा, 2 कर्णी में 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न था पहला का समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेम यही कंडीशन है, मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और इसे बी बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है -5.7 दिया है, बी का निर्देशांक -1.3 दिया है, तो इनके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी तो क्या होगा सूत्र, ए बी के बीच की दूरी कर्णी में यक्स वन ऋण यक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन ऋण वाई टू का होल स्क्वायर। बस इसी सूत्र को रख देंगे, यक्स वन की वैल्यू ये रहा यक्स वन, ये रहा वाई वन, इसे यक्स टू मान लेते हैं तो ये वाई टू, एक्स वन की वैल्यू दिया है कितना दिया है -5 दिया है, एक्स टू की वैल्यू माइनस में दिया है, तो माइनस इसमें है माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है 1, वाई वन की वैल्यू 7 दिया है, वाई टू की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, बस इसी मान को रख देंगे हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 का वर्ग, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे 16 क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 16 और 16 32, और 32 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 कर्णी में,
इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं चार गुणे दो, तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है चार का, हमने जोड़ा में से निकाल लेंगे तो चार का एडिंग कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन, इसे मान लेते हैं ए है, ए का निर्देशांक ए कामा बी है, इसे मान लेते हैं बी है, बी का निर्देशांक माइनस ए कामा माइनस बी है। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर एक्स वन रूट एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन रूट वाई टू का होल स्क्वायर। तो एक्स वन का मान कितना, इसे मान लेते हैं एक्स वन है, ये वाई वन है, इसे मान लेते हैं एक्स टू है, वाई टू है। तो एक्स वन का मान ए दिया है, एक्स टू का मान माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस वाई वन का मान दिया है बी, वाई टू का मान दिया है माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो ए ए दो ए का स्क्वायर, बी बी दो बी का, दो बी का होल स्क्वायर, तो दो दूना चार ए स्क्वायर प्लस दो दूना चार बी का स्क्वायर, इसमें हम चार क्या ले सकते हैं कामन, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो चार का यहाँ पर वर्गमूल निकल जाएगा दो, और पैडिंग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए सारों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, अनुच्छेद 7.2 में नहीं रहा है, तो आज हम केवल यहीं तक प्रश्न देखेंगे। तो जो दिया है सबसे पहले हम पूछे देख लेते हैं, ए दिया है ए का निर्देशांक 0,0 है, और जो बी का निर्देशांक है वो 36,15 है, तो यहाँ से ए बी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स वन से मान लेते हैं एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू, एक्स वन का मान जीरो, एक्स टू का मान, इस पर हम सूत्र ले लेते हैं, तो एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू का होल स्क्वायर, बस यहीं पर सूत्र लगा देंगे, एक्स वन का मान जीरो है, एक्स टू का मान 36 है, वाई वन का मान जीरो है, वाई टू का मान 15 है, हो जाएगा माइनस 36 का वर्ग प्लस माइनस 15 का वर्ग, और वर्ग करने के लिए हमने सूत्र बताया ही था, पहले हम इकाई का अंक का वर्ग करेंगे, 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, कितना अंक दिख रहा है, तो 6 3 18 18 9 36, 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, 3 3 9 9 3। जल्दी सवाल साफ करने के लिए हम गुणा कैसे करते हैं, तो इसका गुणा सबसे पहले इसी संख्या का वर्ग करेंगे, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा, जितना संख्या दिख रहा है 3 शेष बचा है, से जितना संख्या दिख रहा है उसका 6 3 18 9 36, 36 और 3 39, 3 8 है, 3 का वर्ग करेंगे 9 9 और 3 12, कितना आया 1296, ऐसे इसका भी कर देंगे, 5 का वर्ग करेंगे, जैसे माइनस मान लीजिए 15 है, इसका वर्ग करना है, तो 5 25 25, 5 1 5 2 10 10 2 12, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 में 1 जोड़ देंगे तो
25, बस इसे हम जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, और ये ऐसे उतार देंगे। 1521 किसका वर्गमूल है, आइए निकाल लेते हैं। और 21 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो सबसे पहले ये कटेगा, तो हम 3 से काटते हैं, 3 15 और 3 21 जीरो आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 7 5 12 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से विभाजिता का नियम होता है। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 1 3 2 हो जाएगा, 3 6 18 2 हो जाएगा, 3 9 27। अब ये किससे कटेगा, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 169 किसके करीब में। अगर हम देखें तो 14 का वर्ग 12 का वर्ग कितना होता है, 100, 12 का वर्ग 144 होता है, 15 का वर्ग 13 का वर्ग 169 करीब में है, 169 सीधा सीधा ये 13 से ही कट जाएगा, 13 13 169, 13 1 13, तो इसे हम निकाल देते हैं वर्गमूल में, तो हो जाएगा 3 × 3 × 13 × 13, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 3 × 13 13 3 39, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 39 हो जाएगा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 2.3 और −2.−11 संरेखीय है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इनके बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा रेखा, अब इस रेखा में ये मान लीजिए ए बिंदु है, बी बिंदु है, फिर ये सी बिंदु। संरेख का मतलब होता है सीधी रेखा होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो उसे क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, केवल हमको ये देखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहता है कि ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए आप, बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर ए सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक 1.5 है, बी का निर्देशांक 2.3 है, और जो सी का निर्देशांक है −2.−11 है। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है कर्णी, इसे मान लेते हैं यक्स वन है वाई वन, इसे मान लेते हैं यक्स टू है वाई टू, पहले यही लगाते हैं। तो यक्स वन ऋण यक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन ऋण वाई टू का होल स्क्वायर। तो यक्स वन की वैल्यू 1 दिया है, यक्स टू की वैल्यू 2 दिया है, वाई वन की वैल्यू 5 दिया है, और वाई टू की वैल्यू 3 दिया है, इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 2 में से कटेगा 1 −1 का वर्ग, 5 में 3 में 2, इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 देगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, इसका वर्ग कर देंगे 5 आ जाएगा। अब हम बीसी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, बीसी के बीच की दूरी, तो बीसी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा भाई, करणी में। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे एक्स वन ऋण एक्स टू, एक्स वन कामा वाई वन एक्स टू कामा वाई टू रख देंगे, तो 2 में से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्योंकि यहाँ पर माइनस रहता है, एक्स टू की वैल्यू रखनी है तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 3 −−+11, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 11 3 11 और 3 14, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 196, जोड़ देंगे दोनों को
कैडमी 6 और 6 12 हो जाएगा, 9 1 10, 1 11, 1 1 2। इसका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे 212 का, 2 से कटेगा, 2 1 2 6 12, 2 5 10 2 3 6 3 5 6 से कटता, ये आ जाएगा इसका 2 करने में 3 पर। अब हम निकाल लेंगे एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे कर्डी में, इससे इससे संबंध करेंगे तो एक जिसे इतना घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5 में माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 1 3 का वर्ग और 11 5 16 का वर्ग, 3 3 का 9 16 का वर्ग करेंगे 256 जोड़ देंगे, 9 6 15, 5 1 6 और 2, 265 करेंगे। यहाँ से जो हम ए बी के बीच की दूरी निकाले तो कर्डिंग में 5 आ गया, बी सी के बीच की दूरी निकाले हमने तो 2 कर्डिंग में 53 आ गया, और जब हम ए सी के बीच की दूरी निकाले तो कर्डिंग में 265 आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे यदि 265 का वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 25 1 5 3 15 53 51 53, तो ये आ जाएगा कितना, ये एक दूसरे से कटेगा भी नहीं, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यदि ये संरेप होता तो यह नियम पालन करता कि एसी बराबर होगा, एसी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी यदि संरेप है तब। अब आइए हम इसे जोड़ते हैं, एसी का मान हम निकाले हैं 265 करड़ी, एबी का मान निकाले हैं कितना है करड़ी में 5, और बीसी का मान हमने निकाला है 2 करड़ी में 53। क्या यह बराबर है, यदि बराबर नहीं यह संरेख है, जब संरेख होगा तो एसी बराबर एबी प्लस बीसी होगा, लेकिन यदि इसे जोड़ते हैं तो ये बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं यह संरेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जब ए बी बीच की दूरी का मान निकाला फिर बी सी के बीच की दूरी का मान निकाला, दोनों को जोड़ रहे तो ए सी आना चाहिए, ए सी आया नहीं है, और जब ए सी बराबर नहीं है इसके तो यह संरेप नहीं है। प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का पहले अभ्यास का 4th प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया है, अब कैसा त्रिभुज है ये क्लियर नहीं है, बस हम कल्पना किए, मान लीजिए ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु, ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि 5, -2 है, बी का निर्देशांक 6, 4 है, और जो सी का निर्देशांक दिया है 7, -2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी बराबर ए बी के बीच की दूरी का सूत्र यही लगा देंगे, 5 में से 6 घटा देंगे वर्ग, फिर प्लस, -2 में से -4 घट जाएगा, तो इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1,
प्लस चार दू छ तो आ जाएगा माइनस एक का वर्ग करेंगे तो एक और छ का वर्ग करेंगे तो 36 और 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से एसी एसी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पांच में सात घड़ी आएगा प्लस माइनस दो में माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो का वर्ग। सात में घट जाएगा माइनस दो का वर्ग प्लस दो माइनस दो जीरो हो जाएगा। जीरो का वर्ग क्या होता है जीरो। इसका हम क्या करेंगे ये आ जाएगा कर्डी में माइनस दो का वर्ग तो दो दूना चार कर्डी में आ जाएगा चार। इसका वर्ग निकालेंगे तो दो आ जाएगा। अब हम निकालेंगे बीसी बीसी के बीच की दूरी क्या होती है तो छह में से सात घटा देंगे और फिर प्लस चार में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बट्टा इसे हम लिख सकते हैं सात में से छह घटाएंगे तो माइनस एक का वर्ग प्लस चार दू छह का वर्ग माइनस एक का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा एक छह का वर्ग करेंगे 36 36 एक 37। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तीनों भुजाएं इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे 37 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ए बी हमने निकाला बी सी निकाला सी ए निकाला ए बी निकाला यहाँ से फिर ए सी निकाला फिर बी सी निकाला। इतना मान जब हमने निकाला तो यहाँ देखे तो ए बी का मान पैडी में 37 आ रहा ए सी का मान निकाले तो 2 आ रहा बी सी का मान निकाले तो पैडी में 37। और हम समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। माने समान द्विभाग माने दो भाव माने भुजा माने जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कर्णी में 37 इसका भी मान आया है कर्णी में 37 इसका भी मान आया है। इसका मतलब ये जो ए बी भुजा है वह बी सी भुजा के क्या है बराबर है। अतः हम कह सकते हैं यह क्योंकि ए बी जो है वह बराबर है बी सी के और ए बी बराबर बी सी के और ये जो ए सी है वो बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है और यही हमको क्या करना था सिद्ध का निर्देशांक सबसे पहले हम निकालेंगे। तो बिंदु ए का निर्देशांक जो है बिंदु ए का निर्देशांक सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या कहता है किसी कक्षा के चार मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें सही कौन है चंपा सही है कि चमेली सही है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे पहले यह सच तो 3.4 तो ये हो गया 3.4। बिंदु बी का निर्देशांक निकालेंगे तो यह है 7 और यह है 6.7। बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे सी का निर्देशांक पहले 9 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। बिंदु डी का निर्देशांक लिखेंगे तो 6 और 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे ए बी बीच की दूरी दूरी का सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। सूत्र क्या होता है x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर। बस इस सूत्र को हम रख देंगे d
तीन में छह घट, मान लीजिए ये x1 है y1, x2 y2, तो तीन में छह घट हो जाएगा, प्लस चार में सात घट हो जाएगा, तो आएगा कितना, माइनस तीन का वर्ग, माइनस तीन का वर्ग, तीन का वर्ग करेंगे तो तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ कर देंगे अठारह, और अठारह का वर्गमूल तीन कर देंगे तो आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे, नौ घट गया छह माइनस नौ और सात माइनस चार, इसका वर्ग करेंगे छह में से नौ घटाएंगे तो माइनस तीन का वर्ग, प्लस माइनस तीन का वर्ग, तो यहां से हम जो है इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन तीन का नौ और तीन तीन का नौ, नौ नौ अठारह हो जाएगा, और करडी में अठारह की वैल्यू कितना होगा, तीन करडी में दो आ जाएगा। बीसी निकाल लिए, अब हम सीडी निकालेंगे, सीडी के बीच की दूरी, तो सीडी के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, तो सी डी नौ में से छह घट जाएगा, नौ माइनस छह का वर्ग, प्लस चार माइनस एक का वर्ग, नौ में से छह घटाएंगे तीन, तीन का वर्ग नौ होगा, या लिख लेते हैं नौ में से छह गए तीन का वर्ग, चार में से घटा देंगे तीन का वर्ग, और तीन त्रिका नौ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ नौ अठारह, और अठारह का वर्गमूल जो है तीन करने में दो हो जाएगा। डी ए की बीच की दूरी निकालेंगे, डी ए बराबर क्या होगा, छ में से तीन घट जाएगा, छ में से तीन घटा देंगे वर्ग, फिर प्लस एक में से चार घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो छ में से तीन गए तीन, तीन का वर्ग, चार में घटाएंगे तो माइनस तीन का वर्ग, वर्क करेंगे तो ये तीन त्रिका नौ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी नौ हो जाएगा, तो नौ नौ अठारह कर देंगे अठारह, और इसका वर्गमूल तीन कर देंगे दो हो जाएगा। अब हम जो है एसी की वैल्यू निकालेंगे और बीडी की वैल्यू, एसी बिकर्ड, एसी बिकर्ड की दूरी, एसी बिकर्ड की दूरी का सूत्र लगा लेंगे, एसी के बीच की दूरी का सूत्र, तो यहाँ है ए यहाँ है सी, तीन में से नौ घटा देंगे, तीन में से नौ घटा देंगे, प्लस तीन में से नौ घटा, चार में से चार घटा देंगे, चार में से चार घटा देंगे, तो आ जाएगा कितना, तीन में से माइनस छः आ जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्डिंग छह का वर्ग करेंगे छत्तीस, और छत्तीस का वर्ग मूल छह आ जाएगा। हमने एसी निकाल लिया, अब बीडी निकाल देंगे, बी डी, बीडी बराबर क्या होगा, या बीडी के बीच की दूरी, बीडी बिकर्ड की दूरी, बीडी बिकर्ड की दूरी लगा देंगे, तो बीडी यहां से देख लेंगे, बीडी ये रहा बीडी, छह में से छह घटाएंगे, प्लस सात में से एक घटा देंगे, तो आएगा कितना, छह में छह घटाएंगे तो जीरो, जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो आएगा, सात में एक घटाएंगे छह, छह का वर्ग, और छह का वर्ग कितना आएगा, छह ही आएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं एबी की बीच की दूरी कितना आया, तीन करडी में दो, बीसी की बीच की दूरी कितना आया, तीन करडी में दो, सीडी की बीच की दूरी कितना आया, तीन करडी में दो, डीए की बीच की दूरी कितना आया, तीन करडी में दो, और हमने बिकर्ड भी निकाला, एसी छह, बीडी छह, इसका मतलब ये निकला
कि बिकट की जो सब बिकट जो है आपस में बराबर है और जो सभी भुजाएं हैं वे भी आपस में बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी बीच की दूरी कितना है तीन कर लेंगे, बी सी की बीच की दूरी तीन कर लेंगे जो तीन कर लेंगे, और सी डी निकाले हैं ये भी है सी डी, और डी ए ये भी बराबर है, बराबर कितना तीन कर लेंगे दो। ए सी जो बिकर्ड है बिकर्ड ए सी बिकर्ड ए सी बराबर है बिकर्ड बी डी। अतः हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। हम कह सकते हैं इसमें कौन सही कह रहा था, चंपा और चुमेरी कक्षा के अंदर में कुछ मिनट सोचती है, इसमें कहती है चंपा और चुमेरी, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो ए बी सी डी एक वर्ग है, माने चंपा कह रही किससे चमेली से, इसका मतलब चंपा सही है, चंपा सही है। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और इसे हम मान लेते हैं बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी वही सूत्र लगाएंगे एक्स वन ऋण एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई वन ऋण वाई टू का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं माइनस एट कामा x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू एक दिया है तो एक लिख लेंगे इसका वर्ग, y1 माइनस दो है माइनस दो, और माइनस y2 की वैल्यू जीरो है इसका वर्ग कर देंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे माइनस एट माइनस एट माइनस दो हो जाएगा और यहाँ से माइनस दो का वर्ग, तो दो माइनस दो का वर्ग करेंगे चार, इसका वर्ग करेंगे चार, चार का हो जाएगा आठ, तो हो जाएगा दो करड़ी में दो इसका वर्ग। अब हम निकालेंगे बी सी, बी सी के जो बीच की दूरी है एक में से एक घटा देंगे, एक माइनस करेंगे तो इसके कारण ये प्लस हो जाएगा, एक प्लस जीरो में माइनस दो तो हो जाएगा कितना एक एक दो का वर्ग प्लस माइनस दो का वर्ग, तो दो का वर्ग चार, दो का वर्ग चार और चार चार हो जाएगा आठ, आठ का वर्ग मूल दो करड़ी में दो आ जाएगा। बी सी के बाद सी डी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी, तो सी डी बराबर क्या होगा माइनस एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन प्लस, के बीच की दूरी निकालेंगे माइनस एट माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा वर्ग, फिर दो माइनस जीरो का वर्ग, तो यहां से माइनस एट प्लस तीन अर्थात दो का वर्ग प्लस दो का वर्ग दो दूना चार, दो दूना चार, चार चार आठ हो जाएगा और आठ का वर्गमूल दो करड़ी में दो होगा। सी डी के बाद हम डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो माइनस तीन माइनस एक है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, का वर्ग प्लस जीरो में
माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो इसका वर्ग कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस तीन भी घटेगा तो माइनस दो का वर्ग प्लस दो का वर्ग, दो का वर्ग करेंगे तो चार और ये भी चार, चार चार आठ हो जाएगा, आठ का वर्ग मूल निकालेंगे दो कर देंगे दो आ जाएगा, दो कर देंगे दो। अब हम क्या निकालेंगे, जैसे अब हम विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए एक हमने कल्पना कर लिया कि ये विकर्ण है, एक आप इसे मान लेते हैं ए बी सी डी, तो जैसे ए बी बीच की दूरी बी सी सी डी डी ए, इतना तो हमने निकाल लिया ए बी बी सी सी डी डी ए। अब हम निकालेंगे बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी विकर्ण ए सी की दूरी, विकर्ण विकर्ण ए सी की दूरी, ए सी की दूरी तो हो जाएगा, वही सूत्र लगाएंगे कर्डी में ए सी देख लेंगे यहाँ पर है माइनस एक, अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे प्लस माइनस दो, माइनस दो और ये क्या है माइनस दो हो जाएगा, क्योंकि ए सी की बीच की दूरी हम निकालेंगे तो माइनस एक और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग, फिर माइनस दो ये भी क्या हो जाएगा माइनस दो ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो सूत्र से माइनस हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे, माइनस एक प्लस एक जीरो, जीरो का वर्ग करेंगे जीरो, दो दो चार हो जाएगा, माइनस चार का वर्ग हो जाएगा, और चार का वर्ग करेंगे सोलह, और सोलह का वर्ग कितना आएगा चार ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण, अभी हमने ए सी निकाला, बी डी निकाल लेंगे, बी डी की बीच की दूरी, तो बी डी की बीच की दूरी का सूत्र होगा बी डी ये वाला, एक में इतना घटा देंगे तो एक माइनस, ये सूत्र से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस जीरो, बी डी है, बी डी में यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, जीरो का वर्ग करेंगे जीरो, तो तीन और एक चार, चार का वर्ग सोलह, या यहाँ से वर्ग है तो ये का बार क्या चार आ जाएगा, तो यहाँ से हमने देखा अतः हम कह सकते हैं क्या है यह ए बी सी डी, एक क्या है वर्ग, एक वर्ग कैसे कह सकते हैं कि ये वर्ग है, यहाँ से हम देखेंगे ए बी जो है, ए बी, ए बी जो है ये बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए का, और विकर्ण जो है विकर्ण, विकर्ण जो है ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है, विकर्ण बी डी के विकर्ण जी डी के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू हमने देखा दो कर्डिंग में दो है, बी सी की वैल्यू भी दो कर्डिंग में दो है, सी डी की वैल्यू दो कर्डिंग में दो है, डी ए की वैल्यू दो कर्डिंग में दो है, तो ये जो सभी भुजाएं थी आपस में क्या है बराबर है। हमने विकर्ण भी निकाला, विकर्ण का मान ए सी की दूरी निकाले तो चार, बी डी की दूरी निकाले ये भी चार, इसका मतलब विकर्ण भी आपस में बराबर है। जब विकर्ण बराबर हो और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो कैसा चतुर्भुज होगा, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। हम कल्पना कर लेते हैं एक चतुर्भुज, हम कल्पना कर लेते हैं कि यह एक चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं हैं वही चतुर्भुज होता है, तो इसे मान लेते हैं ये है बी है सी है डी है, ठीक। ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि माइनस तीन का मान पांच, बी का निर्देशांक तीन का मान छह, सी का निर्देशांक जीरो का मान तीन दिया है, और डी का निर्देशांक माइनस एक का मान माइनस चार दिया है। एक कल्पना की ये है कि ये चतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी की बीच की दूरी का सूत्र यही हम लगाएंगे, एक्स वन रेड एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन रेड वाई टू का होल स्क्वायर कर देंगे, ये सूत्र लगा देंगे, तो सूत्र लगाएंगे तो एक्स वन मान कितना दिया है माइनस
तीन दिया है, एक्स टू कितना दिया है, तीन दिया है, फिर प्लस वाई वन पाँच दिया है, वाई टू एक दिया है। अब इसे हल कर देंगे तो माइनस तीन माइनस तीन माइनस छः और पाँच में घट जाएगा चार का वर्ग, छ माइनस छः का वर्ग करेंगे तो छत्तीस, चार का वर्ग करेंगे तो सोलह, इसे हम जोड़ देंगे तो छः छः बारह हो जाएगा, तीन एक चार एक पाँच आ जाएगा, कैडी में बावन आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी, बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, तो यहाँ से हम बी सी तीन में से जीरो घटाएंगे, इसका वर्ग कर देंगे, एट में माइनस तीन का वर्ग कर देंगे, फिर इसे हल कर देंगे, तीन का तीन में जीरो घटाएंगे, जीरो तीन आएगा, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ आएगा, एक में माइनस तीन करेंगे तो माइनस दो, और माइनस दो का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस दो का वर्ग कर देंगे तो चार आ जाएगा, नौ प्लस दो दूना चार, नौ चार तेरह, एडिंग तेरह आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिंग क्या लिए, बी सी निकाल लिए, अब हम निकालेंगे सी डी, सी डी के बीच की दूरी, तो सी डी जीरो में माइनस करेंगे कितना, एक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीन में माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक का वर्ग, चार तीन सात का वर्ग, एक का वर्ग करेंगे तो एक, सात का वर्ग करेंगे उनचास, ये कर देंगे पचास हो जाएगा। अब पचास का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सी डी की हम बीच की दूरी निकालिएगा, डी ए की बीच की दूरी निकालिएगा, डी ए की बीच की दूरी, तो डी ए की बीच की दूरी निकालेंगे तो माइनस एक, माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा इसका वर्ग, फिर माइनस चार और यहाँ से माइनस पाँच इसका वर्ग कर देंगे, तो माइनस एक में तीन दो हो जाएगा, दो का वर्ग प्लस पाँच चार नौ, माइनस नौ का वर्ग, दो का वर्ग करेंगे तो चार, नौ नौ इक्यासी, इक्यासी में चार जोड़ेंगे तो हो जाएगा पचासी, करडी में पचासी आ जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ए बी भुजा निकाले तो कर्णी में बावन आ रहा है, बी सी भुजा निकाले तो कर्णी में तेरह आ रहा है, सी डी भुजा निकाले तो कर्णी में पाँच, डी ए भुजा निकाले तो कर्णी में पचास, तो यहाँ ए बी जो है वह बराबर नहीं है बी सी के, पहली बार, और ये बी सी भी इसके बराबर नहीं है सी डी के, माने हर एक भुजाएं क्या है आपस में, डी ए सभी भुजाएं अलग अलग, अतः हम कह सकते हैं ए बी सी डी चतुर्भुज में, चतुर्भुज में सभी भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज बना तो रहा है लेकिन ये कैसा चतुर्भुज है निश्चित नहीं है, जैसे यह न तो वर्ग है न तो आयत ही है न तो ये सब चतुर्भुज ही है, तो एक चतुर्भुज विषम चतुर्भुज हम कह सकते हैं, जिसकी जो अलग अलग भुजाएं होती हैं वही होता है विषम चतुर्भुज। मान लेते हैं, एक कल्पना हम कर लेते हैं कि ए बी सी डी क्या है, ये चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, हमने कल्पना किया है केवल, ए की निर्देशांक चार कामा पाँच है, बी का निर्देशांक सात कामा छः है, सी का निर्देशांक चार कामा तीन है, डी का निर्देशांक एक कामा, तो सबसे पहला कार्य होगा हमारा ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र यही होता है, एक्स वन ऋण एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन ऋण वाई टू का होल स्क्वायर, बस यही रखेंगे सूत्र में, तो
एक्स वन की वैल्यू ये रहा चार, एक्स टू की वैल्यू सात, वाई वन की वैल्यू पांच, वाई टू की वैल्यू छह, इसे हल कर देंगे, घटाएंगे तो माइनस तीन का वर्ग, माइनस एक का वर्ग, तीन का वर्ग करेंगे तीन का नौ, माइनस एक का वर्ग करेंगे तो एक, नौ एक दस। अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी बराबर क्या होगा, कर्णी में सात में से चार घट जाएगा प्लस छह में से तीन घट जाएगा, तो आएगा कितना, सात में से चार दे तीन, छह में से तीन दे तीन, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ, तीन का वर्ग नौ, नौ नौ अठारह, कर्णी में अठारह आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, तो सी डी का बीच की दूरी निकालेंगे तो चार में माइनस एक कर देंगे, प्लस तीन में माइनस दो कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, चार में घटाएंगे तो तीन, तीन का वर्ग, तीन में दो घटाएंगे तो एक का वर्ग, तीन त्रिका नौ एक, तो आ जाएगा नौ एक दस। सी डी हम निकालें, फिर हम क्या निकालेंगे, डी ए की बीच की दूरी, इसका डी ए, तो डी ए में एक में हम माइनस चार कर देंगे, प्लस दो में माइनस पाँच कर देंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे जब चार घटाएंगे तो माइनस तीन का वर्ग, तो यहाँ से माइनस तीन का वर्ग, तो तीन त्रिका नौ और प्लस तीन त्रिका नौ, कर्णी अठारह, कर्णी अठारह, तो यहाँ से हम देखेंगे ए बी के बीच की दूरी कितना है, कर्णी में दस, बी सी की बीच की दूरी कर्णी में अठारह, सी डी की बीच की दूरी कर्णी में दस, और डी ए की बीच की दूरी कर्णी में अठारह। इसका मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, और जो ये भुजा है इस भुजा के बराबर, इसके मतलब ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे बराबर हैं। अब हम निकालेंगे बिकर्ण, बिकर्ण की दूरी निकालेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा ये कौन सा चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले ए सी, बिकर्ण ए सी की दूरी, बिकर्ण ए सी, बिकर्ण ए सी की दूरी हम जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, चार में चार घटा देंगे, प्लस पाँच में तीन घटा देंगे, तो आ जाएगा चार में चार घटाएंगे जीरो, और पाँच में तीन घटाएंगे दो का वर्ग, और दो का वर्ग माने आ जाएगा दो का वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दो। अब बिकर्ण, बिकर्ण हम क्या निकालेंगे, डी डी, बी डी, तो बी डी निकालेंगे तो सात में से एक घटा देंगे, छह में से दो घटा देंगे, इसे सात कर देंगे, सात में एक घटाएंगे छह का वर्ग, छह में दो घटाएंगे चार का वर्ग, छह का वर्ग करेंगे तो छत्तीस, चार का वर्ग करेंगे सोलह, जोड़ देंगे इसे, छह छह बारह हो जाएगा, तीन एक चार एक पाँच हो जाएगा। इसका मतलब जो बिकर्ण है वे भी अलग अलग हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन बिकर्ण अलग अलग हैं, अतः हम कह सकते हैं यहाँ से हम लिख देंगे ए बी जो है वह बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी, और जो बी बी सी है वह बराबर है ए डी की, बी सी बराबर ए डी की, और जो बिकर्ण है बिकर्ण बिकर्ण ए सी वह बराबर नहीं है बिकर्ण बी डी की, और बिकर्ण बराबर नहीं है आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो, और बिकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, उसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं।
समांतर चतुर्भुज में दो तीन चीजें आ जाती हैं, जैसे यहाँ हम समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज में जैसे आ जाता है वर्ग आ जाता है, आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, आयत आ जाता है, सम चतुर्भुज आ जाता है, सम चतुर्भुज आ जाता है। तो यहाँ से वर्ग जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण बराबर होता है, उसे हम आयत कहते हैं। सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है और विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। मान लीजिए एक रेखा दिया है, इसका बिंदु का निर्देशांक ए है और ये बिंदु का निर्देशांक बी। ए का निर्देशांक दिया है 2, -5 है और जो बी का निर्देशांक है -2, -9। इससे समान दूरी पर हो, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ये इसे मान लेते हैं पी बिंदु और इसका जो निर्देशांक होगा ये कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर वर्ग दिया है, तो यक्ष अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो हम यक्ष कामा 0 लिखेंगे। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं, हमसे कह क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर, तो यक्ष अक्ष पर मान क्या होता है? वाई का मान 0 होगा। तो हमने y का मान 0 रख दिया, तो x का मान 0 इसका निर्देशांक देगा और इसी बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है और ये समान दूरी पर है। दूरी क्या है इसकी? समान है, अर्थात जो PA है वह PB के बराबर है, दूरी इसकी समान है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सम दूरस्थ। सम दूरस्थ माने समान दूरी पर है, इसका मतलब जो PA है वह बराबर है किसके? PB की। ये PA बराबर PB का, तो पी ए के बीच की दूरी हम सूत्र लगा देंगे, कर्णी में एक्स वन ऋण एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन ऋण वाई टू का वर्ग बराबर, इस साइड भी कर्णी में सूत्र लगाएंगे, एक्स वन ऋण एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन ऋण वाई टू का वर्ग। तो यहाँ से जब हम सूत्र लगाएंगे, इसे हम मान लेते हैं x1 ये y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं, तो यहाँ से जब सूत्र हम लगा देंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 5 क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग बराबर x1 का मान क्या है? x1 का मान x दिया है और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो इसका वर्ग फिर प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों तरफ कर्णी, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो ये कर्णी क्या हो जाएगी? हट जाएगी, तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 प्लस 5 का वर्ग बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। तो यहाँ से इसे हम और साफ करेंगे तो x माइनस 2 का वर्ग ऐसे ही रहेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, x प्लस 2 का वर्ग फिर प्लस माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस है तो माइनस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 81, ये प्लस है इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम सूत्र लगा सकते हैं एक स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a प्लस बी
और a माइनस बी, a माइनस, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 81 में हम 25 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 में 5 गए 6, 7 में 2 गए 5, तो आ गया 56। अब यहाँ से हम इसे और हल कर देंगे तो x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 और x माइनस 2, इसके कारण ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 56। तो ये दो दो से कट जाएगा, x x 2x, और यहाँ से x x कट जाएगा और यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो इसे और हम साफ कर लेंगे, माइनस x, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, x बराबर 56 बटा 4 इस साइड आएगा, माइनस 4 गुणे 2, तो 4 एक कम 4 9 36, 4 एक कम 4 और यहाँ से 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 सब 14, तो x का मान जो है माइनस 7 आ गया, इतना आया माइनस 7। तो ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना, तो P बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर, x अक्ष पर P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक बराबर x कामा 0 दिया था, तो x की वैल्यू कितना है, x कामा 0, तो x की वैल्यू कितना दिया है, x की वैल्यू हमने निकाला माइनस 7, तो माइनस 7 कामा 0, यही हमारा क्या होगा आंसर। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर है, ये मान लीजिए कि P बिंदु है और ये मान लीजिए Q बिंदु है, P का निर्देशांक हमको दिया है कितना 2 कामा माइनस 3 दिया है, और जो Q का निर्देशांक है 10 कामा वाई दिया है, और इनके जो बीच की दूरी है ये भी हमको दिया है, कितना दिया है 10 मात्रक, कितना दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ही होता है पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र पी क्यू बराबर होता है अंडर रूट पर और वाई वन रेड वाई टू का होल स्क्वायर, यही हम सूत्र रख लेंगे, और बीच की दूरी हमको दिया है पहले से ही 10, तो हम 10 रख देंगे, एक्स वन की वैल्यू 2 दिया है, एक्स टू की वैल्यू 10 दिया है, इसका वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस वाई इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कैडी हट जाएगा, तो 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस वाई का वर्ग, तो यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, 100 बराबर 2 में माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 8, और माइनस 8 का हम वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ से प्लस हम लिख लेंगे माइनस 3 माइनस वाई, माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 100 बराबर 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस माइनस 3 माइनस वाई का वर्ग, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर माइनस 3 माइनस वाई का वर्ग, तो 64 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस वाई का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस वाई बराबर इस तरफ वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, कड़ी में 36 हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस वाई बराबर कड़ी में 36, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6, मान धनात्मक लेने पर, मान धनात्मक लेने पर, जब हम मान धनात्मक लेंगे तो माइनस 3 माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा, और जब माइनस की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, वाई का मान कितना आ गया माइनस 9 आ गया। यहाँ से जो है मान हम ऋणात्मक लेंगे, मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक
लेने पर। जब हम मान ऋणात्मक लेंगे तो माइनस तीन माइनस वाई बराबर, इसका मान हम ऋणात्मक लेंगे माइनस छः। अब यह माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये छः और इस साइड जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो छः में से तीन घटाएंगे तो कितना आएगा, तीन। वाई का मान कितना आ गया, तीन। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, माइनस तीन प्लस छः बराबर वाई। छः में माइनस तीन करेंगे तो तीन आएगा, वाई का मान तीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाई का मान तीन भी है और माइनस नौ, तो इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नौ, यदि क्यू जीरो कामा एक बिंदुओं पी पाँच कामा माइनस तीन और आर यक्स कामा छः से संदूरस्त है, तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए और दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि एक ये रेखा है, इसका बिंदु P है और ये क्या है, R है। बिंदु P का निर्देशांक हमको दिया है पाँच कामा माइनस तीन है, R का निर्देशांक दिया है x कामा छः है। तो ये जो Q बिंदु है, Q बिंदु इससे भी दूरी समान है और इससे भी दूरी समान है, ये Q बिंदु, और ये Q का निर्देशांक दिया है जीरो कामा एक। तो ये पी क्यू जो है यह बराबर है किसके, क्यू आर। पी क्यू बराबर क्यू आर, तो हम बीच की दूरी निकालेंगे तो हम पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे बराबर क्यू आर का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग या अभी न करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, जीरो कामा मतलब जीरो माइनस पाँच का वर्ग प्लस एक माइनस, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तीन का वर्ग बराबर करड़ी में जीरो माइनस यक्स का वर्ग प्लस एक माइनस छ का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा जीरो का मान माइनस पाँच का वर्ग प्लस एक प्लस तीन का वर्ग बराबर जीरो का मान माइनस यक्स का वर्ग प्लस एक माइनस छः का वर्ग। तो माइनस पाँच का वर्ग करेंगे तो पच्चीस, तीन एक चार, चार का वर्ग करेंगे तो सोलह, माइनस यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा और शाम ये घटेगा तो माइनस पाँच का वर्ग करेंगे तो पच्चीस आ जाएगा। तो यहाँ से और हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पच्चीस प्लस सोलह, ये प्लस है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा पच्चीस, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा तो आ जाएगा सोलह, तो यक्स बराबर हो जाएगा कैडिंग सोलह और सोलह का वर्गमूल हम निकालेंगे तो प्लस माइनस चार आ जाएगा, यक्स का मान कितना आ गया प्लस माइनस चार। हम एक बार मान धनात्मक लेंगे एक बार मान ऋणात्मक लेंगे। तो अब जैसे हमसे कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान क्या क्या है, एक तो मान प्लस में भी आया, एक मान माइनस में भी आया। तो हमसे कह रहे हैं क्यू आर के बीच की दूरी बताइए, क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्यू आर यही है क्यू आर के बीच की दूरी। यहाँ से हम क्यू आर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर और पी आर, पी आर, क्यू आर के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो जीरो हम लिख सकते हैं करड़ी में जीरो माइनस यक्स का वर्ग प्लस एक माइनस छ का वर्ग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मान हम धनात्मक लेते हैं, पहला मान हम धनात्मक लेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे मान धनात्मक लेने पर यक्स का मान, यक्स का मान धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर यहाँ से हम मान क्या लेंगे धनात्मक लेंगे। जब मान हम धनात्मक लेंगे तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस वन माइनस सिक्स का वर्ग बराबर, तो ये हो जाएगा चार का वर्ग करेंगे सोलह, प्लस छः में एक घटेगा तो पाँच, पाँच का वर्ग करेंगे तो पच्चीस आ जाएगा।
और 25 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 2 1 3 3 1 4 पैडी में 41 आ गया। एक बार हम क्या मान लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, फिर क्यू आर के बीच की दूरी हम क्या लेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्यू आर के बीच की दूरी अब जो हो जाएगा 0। सेम वही चीज लिखेंगे, केवल हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू ऋणात्मक लेंगे, तो 0 कामा यहाँ लिख देंगे यक्स का मान, यक्स का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब वैल्यू हम ऋणात्मक लेंगे यक्स की, तो ये माइनस जो है सूत्र से ही हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, इसका वर्ग करेंगे प्लस 1 - 6 हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 में घटेगा तो 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 16 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 में 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, कर देंगे 41। अर्थात चाहे मान हम धनात्मक ले चाहे मान ऋणात्मक ले, दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, इसका कर्डे में 41 ही आ रहा है। क्यू आर की बीच की दूरी कितना आएगा, कर्डे में 41, और हम निकाल लेते हैं पी आर, पी आर के बीच की दूरी, तो पी आर के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो 5 कर्डे में मान, एक बार इसका भी धनात्मक लेके देख लेते हैं, मान धनात्मक लेने पर, यहीं पर लिख देते हैं मान धनात्मक, यक्ष का मान धनात्मक लेने पर, जब मान हम धनात्मक लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस यक्ष का मान धनात्मक ले रहे हैं, यक्ष की वैल्यू कितना है 4, इसका वर्ग प्लस 5 माइनस 4, फिर माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 6, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 6 और 3 9, 9 9 81, 81 के 1 82 आ जाएगा। अब यक्ष का मान ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर यदि हम मान ऋणात्मक इसका लेते हैं तो आ जाएगा पी आर के बीच की दूरी, तब जो है यहाँ से 5 ऋणात्मक वैल्यू लेंगे, यक्स का मान यदि माइनस 4 लेते हैं तो 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, इसका वर्ग प्लस माइनस 3 माइनस 6 का वर्ग, तो यहाँ से जो है 5 4 9 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, 6 3 9 9 9 81 आ जाएगा, 81 81 जुड़ जाएगा तो 1 1 2 और 8 8 16 16 1 17, या यहाँ से हम क्या करेंगे 81 कामन लेंगे, 81 कामन लेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 का अर्थात इसका हम लिख सकते हैं 81 × 2, और 81 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं कितना होता है 9 9, कैडी में 2 9 कैडी में 2, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा, क्यू आर के बीच की दूरी जब हमने निकाला, क्यू आर के बीच की दूरी तो कैडी में 41 आया, और पी आर के बीच की दूरी हमने निकाला जब मान धनात्मक लिया था तो कैडी में 82 आया, और जब मान हमने ऋणात्मक लिया था तो कितना आया था, 9 कैडी में 2 आया, तो इसका आंसर यही होगा। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3 - 6 और -3 - 4 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब कहने का आशय यह है कि मान लीजिए एक बिंदु a है, दूसरा बिंदु b है, और a का निर्देशांक हमको दिया है 3 - 6,
और जो बी का निर्देशांक है वह माइनस तीन कामा चार। इससे जो समान दूरी पर एक बिंदु है यह मान लेते हैं कि पी बिंदु, पी बिंदु जो है इसका निर्देशांक एक्स कामा वाई है और ये जो है समान दूरी पर है। इससे क्या है समान दूरी, माने जो पी ए, पी ए जो है वह पी बी के बीच की दूरी क्या है आपस में बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगा सकते हैं, पी ए के बीच की दूरी का सूत्र होगा कर्डिंग बी एक्स माइनस तीन का वर्ग प्लस वाई माइनस छ का वर्ग बराबर कर्डिंग बी एक्स माइनस, अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस सूत्र से होता है, तो एक्स माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा प्लस वाई माइनस चार का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा एक्स माइनस तीन का वर्ग प्लस वाई माइनस छ का वर्ग बराबर एक्स प्लस तीन का वर्ग प्लस वाई माइनस चार का वर्ग। यहाँ से हम और सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस तीन का वर्ग माइनस एक्स प्लस तीन का वर्ग और ये वाई माइनस चार का वर्ग, ये प्लस है इस साइड जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा वाई माइनस छ का वर्ग। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन ने ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ने ए माइनस, तो हो जाएगा एक्स माइनस तीन प्लस एक्स प्लस तीन, अगले क्वेश्चन में एक्स माइनस तीन माइनस एक्स प्लस तीन बराबर, यहाँ से भी वही सूत्र लगा सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। यहाँ से हम क्वेश्चन बंद कर देंगे, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स माइनस तीन प्लस एक्स प्लस तीन और इसे भी सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस तीन माइनस ये चिन्ह बदल जाएगा बराबर वाई माइनस चार प्लस वाई माइनस छ। यहाँ से वाई माइनस चार माइनस वाई प्लस छ, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये तीन तीन से कट जाएगा तो दो एक्स और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स से कटेगा तो माइनस तीन तीन छ हो जाएगा बराबर, यहाँ से वाई वाई दो वाई हो जाएगा और छ और चार दस हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो वाई वाई से कट जाएगा माइनस चार प्लस छ हो जाएगा। इसे और हम सॉल्व कर लेते हैं तो छः गुना बारह माइनस बारह एक्स बराबर, यहाँ से आ जाएगा दो वाई माइनस दस, अच्छा में से चार घटेगा तो दो आ जाएगा तो यहाँ हम दो लिख देते हैं तो माइनस बारह एक्स बराबर, ये दो है पूरा इस साइड आ जाएगा तो भाग हो जाएगा दो वाई माइनस दस, दो से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस छः एक्स बराबर, यहाँ से हम दो कामन ले लेंगे, जब हम कामन ले लेंगे तो y माइनस पाँच हो जाएगा, दो आएगा इस साइड क्या हो जाएगा ये भी भाग हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा y माइनस पाँच, दो से हम भाग देंगे दो तीन छः माइनस थ्री एक्स बराबर y माइनस पाँच, तो ये माइनस इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस पाँच बराबर जीरो। तो इनके बीच जो प्रतिबंध बना उनसे कह रहा था कि x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो यह अभिन्न समान दूरी पर हो, तो हमने संबंध निकाला एक्स और वाई के जिसमें थ्री एक्स प्लस वाई माइनस पाँच बराबर जीरो, या इसे हम ये भी लिख सकते